नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ अनलोडिंग वाल्व एंड टू पंप्स। दोस्तों, कुछ कुछ मशीन टूल्स होते हैं जिसमें दो पंप का यूज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वो सब बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सीमेटिक ड्रॉइंग ड्रॉ किया गया है। दो पंप, एक सिलेंडर, एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, एक प्रेशर रिलीफ वाल्व, एक अनलोडिंग वाल्व को लेकर ड्रॉ किया गया है। दोस्तों, कुछ कुछ मशीन होते हैं जिसमें हाई प्रेशर और हाई फ्लो पंप का एप्लीकेशन चाहिए, जो कि उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। कॉस्ट को कम करने के लिए हमें दो पंप का यूज करना पड़ता है। एक है हाई प्रेशर लो फ्लो पंप और दूसरा है लो प्रेशर हाई फ्लो पंप। कुछ कुछ मशीन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है पंचिंग प्रेस। उसमें जब पिस्टन रॉड मूवमेंट करते हैं, हाई स्पीड में करते हैं, और जब पंचिंग होता है लो स्पीड में होता है, और हाई फ्लो का हाई प्रेशर का जरूरत होता है, लो फ्लो का जरूरत होता है। इसीलिए दो पंप यूज किया जाता है। आप देख लीजिए, ये हो गया आपका पंप, ये हो गया टैंक, ये हो गया स्ट्रेनर, ये भी आपका स्ट्रेनर, ये पंप, ये आपका ये आपका अनलोडिंग वाल्व, ये प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ये आपका एक्चुएटर है। जो पंप है ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप ये आपका हो गया, ये वाला हो गया आपका लो प्रेशर पंप। जब ये सिलेंडर मूवमेंट करेगा, सिलेंडर का पिस्टन रॉड मूवमेंट करेगा, हाई स्पीड में करेगा, ये हो गया आपका हाई प्रेशर लो फ्लो पंप, लो प्रेशर हाई फ्लो पंप। जब सिलेंडर मूवमेंट करेगा, सॉरी जब पिस्टन रॉड मूवमेंट करेगा, तब ये वाला पंप रनिंग होगा। ये चेक वाल्व को क्रैक करके जाएगा ऑयल लाइन पे, यहाँ पे पी लाइन। ये आपका हो गया लोडिंग वाल्व, ये आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व। जब ये एसओबी वन एक्चुएट होगा, एसओबी वन जब एक्चुएट होगा तो क्या होगा, बीच में ऐसे हो जाएगा स्पूल का पोजीशन, तो ऑयल हेड एंड में जाएगा और पिस्टन आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, वो फास्ट मूवमेंट करेगा, क्योंकि ये लो प्रेशर हाई फ्लो पंप। जब पिस्टन आगे की तरफ उसके लास्ट में पहुंच जाएगा पिस्टन, यहाँ पे पहुंच जाएगा पिस्टन, तब क्या होगा, जो प्रेशर बिल्डअप होता है इसका, जो ऑनलोडिंग वाल्व का सेट प्रेशर से ये एक्टिवेट हो जाएगा, ऑयल टैंक में चला जाएगा। ये हो गया आपका लो प्रेशर हाई फ्लो पंप का फंक्शन। जब प्रेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला पंप रनिंग होगा, ये वाला हो गया हाई प्रेशर लो फ्लो पंप। ये पंप रनिंग होगा, इधर से ऑयल इधर आएगा, न्यूपोर्ट में जाएगा, और ये वाला ये जो पंप है, ये हाई प्रेशर से बचाने के लिए पंप में यहाँ पे चेक वाल्व दिया गया है। ये वाला चेक वाल्व हाई प्रेशर को अंदर में नहीं आने देगा, लो प्रेशर पंप में आने नहीं देगा। और जब ये वाला एक्चुएट हुआ, ऐसे भी वाला एक्चुएट हुआ, तो क्या होगा ना, ऑयल इधर से होते हुए इधर जाएगा, तब क्या होगा, हाई प्रेशर जब के ऊपर काम करेगा, पंचिंग प्रेस में हाई प्रेशर काम करेगा। ये हो गया आपका दोनों पंप का फंक्शन। जब रिट्रैक्ट होगा उस समय क्या होगा, दोनों पंप चालू रहेगा,
हाई प्रेशर लो फ्लो पंप ये वाला, और लो प्रेशर हाई फ्लो पंप दोनों वाला चालू रहेगा, और इधर से रहेगा ये वाला एक्चुएट होगा, एसओबी टू एक्चुएट होगा, उस समय एसओबी टू एक्चुएट होगा, स्पूल का पोजीशन ऐसे हो जाएगा, पी से ऑयल रॉड एंड में जाएगा और इसको क्विक रिटर्न कर देगा, क्योंकि दो पंप चालू है, दोनों का फ्लो मिल जाएगा, इसको क्विकली रिटर्न कर देगा। ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ अनलोडिंग वाल्व टू पंप। तो इसका फंक्शन क्या है, ये वाला वाल्व और ये वाला वाल्व का फंक्शन क्या रहता है इसमें? जब लो प्रेशर हाई फ्लो पंप चालू रहता है, मतलब सिलेंडर को एक्सटेंड कराने के लिए, पिस्टन रॉड को एक्सटेंड कराने के लिए, उस समय ऑयल इधर से इधर छोड़ते हुए ये सब एक्चुएट होगा, हेड एंड ऑयल जाएगा, ये वाला आगे की तरफ मूव करेगा, पिस्टन रॉड आगे की तरफ मूव करेगा, उस समय जो ये जब ये पहुंच जाएगा पिस्टन रॉड लास्ट में पहुंच जाएगा, प्रेशर सेंस करेगा इसको और ये वाला अनलोड हो जाएगा, ऑयल टैंक में चला जाएगा। ये हो गया आपका फॉरवर्ड मूवमेंट का टाइप पे। और इसका फंक्शन क्या है, अगर सेट प्रेशर से ज्यादा हुआ तो ये रिलीफ करेगा। मान लीजिए इसको अभी देखिए, ये हो गया ओपन रहेगा जब पिस्टन रॉड आगे की तरफ मूव करेगा, जब रिट्रैक्ट होगा, रिट्रैक्ट के समय में, रिट्रैक्ट के समय में ये वाला क्लोज रहेगा, ये वाला क्लोज रहेगा, दोनों पंप चालू रहेगा, ऑयल इधर से रॉड एंड होते हुए जाएगा, ये वाला रिट्रैक्ट होगा, जब भी हेड एंड तक पहुंच जाएगा ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, ऑयल टैंक में चला जाएगा, ये वाला क्लोज रहेगा, अनलोडिंग वाल्व उस समय क्लोज रहेगा। ये हो गया आपका प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पे रिटर्न होगा, नहीं तो ये भी एक्टिवेट होगा, ऑयल टैंक में चला जाएगा। ये हो गया आपका टू पंप एंड एप्लीकेशन ऑफ अनलोडिंग वाल्व। दिस इज ऑल अबाउट डिटेल्स। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में डालिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सर।